आज आप अच्छे तरह नौजवान किए हुए एक आयत को पढ़कर उसमें से पवित्र आत्मा ने मुझसे बताया हुआ कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए मैं चाहता हूं। इक्यानवे जबूर साफ 91 भजन संहिता 91 उसका 14 आयत मेरे नाल प्रीत लाई है सो मैं उन्हूं छुड़ावांगा मैं उन्हूं ऊंचा करांगा ओने मेरा नाम जो जाता है उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। ओके जो फर्स्ट पार्ट एक और बार पढ़ना। उसने जो मुझसे स्नेह किया उसने मुझसे स्नेह किया उसने मुझसे स्नेह किया तो परमेश्वर ने वायदा दे रहे हैं जो लोग परमेश्वर को प्रेम करते हैं स्नेह करते हैं उनको परमेश्वर छुड़ाता है। हमारे हम सच्चे जीवन में सच्ची एक छुटकारा चाहते हैं तो परमेश्वर को प्रेम करना बहुत जरूरी है। जैसे हमने गीत गाया कांदा है मसीह में अंगूर दर बूटा है पर आता यदि हम फल सही ढंग से चाहते हैं वो लगातार उस मिट्टी में रहना बहुत जरूरी है तब ही उस मिट्टी से मिट्टी में जड़ जाएगा जड़ उस मिट्टी ने जो कुछ ताकत की जो पेड़ का बढ़ोतरी की जो कुछ है उसको खींचेगा वो फल वो पेड़ को तकड़ा करते हैं उसमें फूल आता है फल आता है मालिक प्रसन्न होता है। परमेश्वर के वचन हम पढ़ने के वक्त में इधर लिखा है जो स्नेह किए हैं उसने जो मुझसे स्नेह किया है इधर है सही ट्रांसलेशन में ये लिखा है जिसने मुझे पकड़ कर रखा हुआ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है ऐसे लोगों में छुड़ाऊंगा। हमारे जीवन में बहुत छुटकारा का जरूरत है। सबसे पहले पाप का छुटकारा क्योंकि पवित्रता के साथ ही परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है। परमेश्वर को हम प्रेम करें तो पाप नहीं करेंगे परमेश्वर के साथ चले तो पाप नहीं करेंगे परमेश्वर का वचन तो हम पालन करें तो पाप नहीं करेंगे। पाप से छुटकारा पाना है परमेश्वर को प्रेम करना है परमेश्वर को स्नेह करना है परमेश्वर को पकड़े रखना है परमेश्वर में बने रहना है। कई बार क्या होता है परमेश्वर से दूर होने की वजह से परमेश्वर से स्नेह नहीं किए करने की वजह से इस दुनियादारी होकर दुनिया के झंझटों में फंसने के बाद पाप करते हैं पाप करके परमेश्वर से दूर चल जाते हैं परमेश्वर की महिमा को त्याग देते हैं। यदि हम परमेश्वर को हम स्नेह करते हैं यदि हम प्रभु यीशु मसीह को स्नेह करते हैं यदि प्रभु यीशु मसीह का क्रूस को हम सच्चे दिल से प्रेम करते हैं तो पाप नहीं करते हैं। इब्रानियों की पत्री हम पढ़ने के वक्त में उधर लिखा है जो कोई पाप करते हैं मसीह को दोबारा भी क्रूस में चढ़ा देते हैं प्रभु को प्रेम करना सच्चे दिल से प्रेम करना तब ही पाप से एक छुटकारा हमारे जीवन में पा सकते हैं। पाप के साथ हमको स्वर्ग में पहुंचना अनोखा बात है कभी भी पाप के साथ स्वर्ग में पहुंच नहीं सकता है उसके पहले ही जजमेंट थ्रोन हमको न्यायासन के सामने हम आना पड़ेगा न्यायासन के सामने आकर हालेलुया परमेश्वर ने हमें हालेलुया मार्ग के ओर भेजेगा। हम सच में स्वर्ग में जाने के लिए चाहते हैं परमेश्वर को प्रेम कर हालेलुया यहोवा का सुसमाचार हम पढ़ने के वक्त में उधर लिखा है जो मुझे प्रेम करता है वो मेरे आज्ञाओं को मानता है हालेलुया जो कोई मुझे प्रेम करता है मेरे आज्ञाओं को मानता है उसके आज्ञाओं को मानता है उसके वचन को मानता है उसके वचन के आधार पर चलता है वो कभी भी अंत
अंधेरे में नहीं चलता है। हालेलुया, वो ज्योति की ओर, ज्योति की ओर, ज्योति की ओर चलता है। फिर जब हम परमेश्वर को प्रेम नहीं करते हैं, दुनिया को प्रेम करते हैं, संसार को प्रेम करते हैं, तब हम पाप करने के लिए हम अपने आप समर्पण करते हैं, अपने आप समर्पण करते हैं पाप करने के लिए। पाप का लालच हमारे शरीर में, मन में, हमारे जीवन में आने के वक्त में ही वो करने के लिए हलेले हम अपने आप समर्पण करते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है हालेलुया, संसार की हालेलुया प्रेम परमेश्वर से शत्रु है। हालेलुया, संसार में प्रेम रखना परमेश्वर से विरोध करना का तुल्य है। आप किसको प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं? हालेलुया, सच में पाप से हालेलुया हम एक छुटकारा पाने के लिए चाहते हैं। प्रभु को प्रेम करें, प्रभु को प्रेम करें, प्रभु को प्रेम करने के वक्त में हालेलुया। यदि मान लीजिए कोई भी एक व्यक्ति, तो एक व्यक्ति के खिलाफ हम कुछ करने के लिए चाहते हैं, उस व्यक्ति हमारा प्यारे मित्र है, कभी भी ऐसे गलत हम उस मित्र के खिलाफ नहीं करेंगे। क्योंकि कुछ करने के लिए हम चाहते हैं तो भी करने के वक्त में एकदम बोलेंगे नहीं, वो मेरा अच्छा मित्र है, मैं उसके खिलाफ ऐसा बोलना अच्छा नहीं है, ऐसा करना अच्छा नहीं है, ऐसे व्यवहार करना अच्छा नहीं है। सच्चे दिल से हम परमेश्वर को मानते हैं, सच्चे दिल से हालेलुया प्रभु को प्रेम करते हैं, तो पाप से छुटकारा पा सकता है। इधर लिखा है उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। एक छुटकारा चाहते हैं, आपका पाप से छुटकारा चाहते हैं, प्रभु को प्रेम करो। बस प्रभु को प्रेम करेंगे, शैतान से हम दूर जाएंगे, शैतान से दूर जाएंगे, लाइफ में हम पहुंचेंगे। हालेलुया, सेकंड हालेलुया छुटकारा है बीमारी से। हम जब परमेश्वर का प्रेम करते हैं, परमेश्वर हमें चंगाई देते हैं। परमेश्वर का वचन हम पढ़ने के वक्त में लिखा है उसका घोड़ा खाने से हमने चंगे हो गए, उसको प्रेम कर ही उसने चंगाई पा सकते हैं। आप लोग पूछेंगे वो तो प्रेम नहीं करते हैं, कई लोग उन्हें चंगाई पा रहे हैं प्रवेश मुसी के नाम से, प्रवेश मुसी दया का सागर है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह दया का सागर है। हालेलुया, किसी ना किसी को चंगाई मिल रहा है, उसका मतलब वो लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे। स्वर्ग में जाने के लिए व्यवस्था परमेश्वर ने हालेलुया व्यवस्था अलग रखा हुआ है। चंगाई पाने के लिए, चंगाई पाना, स्वर्ग में जाना, उसके साथ कोई लेना लेना नहीं है। और परमेश्वर को प्रेम करना, यदि चंगाई पाना है परमेश्वर को प्रेम करना है, छुटकारा बीमारी से चंगाई पाना है प्रभु को प्रेम करना है। कई बार हमारे जीवन में, कई बार बोलता हूं, बीमारी आने का कई कारण है, उसमें से एक है परमेश्वर भी खुद बीमारी डालते हैं सजा के तौर से। हम पुराने नियम में कई जगह में हम पढ़ते हैं फिरौन को हाले लिया, फोड़े भेज दिया, तो परमेश्वर ने सजा के रूप में भी बीमारी डालते हैं, उससे छुटकारा चाहिए। हालेलुया, ये शैतान बीमारी डाला है, उससे छुटकारा चाहिए। प्रभु को प्रेम करें, प्रभु को प्रेम करें। हालेलुया, प्रभु को स्नेह करें, प्रभु को प्रेम करें, तो छुटकारा है। हालेलुया, जिन्होंने आयत पढ़ना 14, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसने एक और बोलना, उसने जो मुझसे स्नेह, उसने मुझे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, इसलिए मैं उसको बीमारी से छुड़ाऊंगा। हालेलुया, इसलिए मैं उसको बीमारी से छुड़ाऊंगा। कारण क्या है? वो स्नेह किया है मुझे, मुझे स्नेह किया है परमेश्वर। हालेलुया बोला है, मुझे स्नेह करते हैं इसलिए मैं उसको छुड़ाया, इसलिए उसको छुटकारा दिया, इसलिए उसको मैं चंगाई दिया है। मेरे आंसुओं, जब सच्चे दिल से जब हम प्यार करते हैं परमेश्वर जानता है। हालेलुया, हम कई कई दीदी का प्यार होता है, हालेलुया मतलब का प्यार भी होता है,
मतलब हो गया बस अपना काम देकर चल जाना। सच्चे दिल से हम जब प्यार करते हैं परमेश्वर का महान महान कामों को हमारे जीवन में देखने के लिए मिलता है। आप कई बार क्या होता है, कई बार कई लोगों ने परमेश्वर प्रभु को इसलिए त्याग देते हैं उनको बीमारी आने की वजह से त्याग देते हैं। परमेश्वर वचन में कहीं भी ये नहीं लिखा है प्रभु को मानने वालों को बीमारी नहीं आएगा। प्रभु के वचन के आधार पर चलने वालों को स्वर्ग में जाने के बारे में परमेश्वर ने वायदा देता है और स्वर्ग में जाने वाले सारे चंगाई होकर जाएगा, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। एक छुटकारा, बीमारी का छुटकारा चाहिए प्रभु को प्रेम करें। हालेलुया, दुनिया को चल रही कई लोगों ने उधर धागा बना रहे हैं, उधर इधर सिंदूर मिल रहा है, इधर उधर वादा कर रहा है, उधर इधर किसी बाबा आ गया, उधर इधर इधर किसी पास्टर आ गया, इधर प्रभु को किसी को भी नहीं चाहिए। प्रभु को प्रेम करने के लिए किसी के पास भी टाइम नहीं है। लोगों को पीछे, लोगों के पीछे नहीं, छुटकारा है प्रभु को प्रेम करे, प्रभु को प्रेम करे, प्रभु छुटकारा देगा। हालेलुया। एक और बात पढ़ लीजिए, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, इसलिए मैं उसे अकेलापन से नहीं छुड़ाऊंगा। अकेलापन बहुत बड़ा एक बीमारी, अकेलापन बहुत बड़ा बीमारी है। कई लोगों ने हालेलुया डिप्रेशन में जाने का मुख्य कारण, कई कारण है, उसमें से हालेलुया एक कारण है अकेलापन। अकेलापन की वजह से हालेलुया कई लोगों ने डिप्रेशन में जाना, मेरे लिए कोई है ही नहीं, मेरे लिए कोई है ही नहीं, मेरे लिए कोई है ही नहीं। हालेलुया इस सोचते 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 हालेलुया अकेलापन से प्रभु छुटकारा देता है। हालेलुया उसको प्रेम करना। हालेलुया। योहन्ना का सुसमाचार उसका 5:7, योहन्ना का सुसमाचार 5:7 हम अच्छा तरह जानते हैं। 38 साल का हालेलुया बीमार होकर बदस्ता कुंड के पास पड़े हुए एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने हालेलुया यरूशलेम में धूमधाम हालेलुया उधर पर्व चला रहे थे, पर्व के बीच में प्रभु यीशु मसीह ने योहन्ना का सुसमाचार 5:7 आए तो योहन्ना का सुसमाचार 5:7 उस रोगी ने उसने उत्तर दिया, प्रभु जी मेरा कोई आदमी नहीं है कि जा पानी पिलाया जावे ता मैं काल विच उतारे, पर जब मैं आप जानता हां कोई और व्यक्ति उसको उत्तर कहता है। उस बीमार ने उसे उत्तर दिया, हे प्रभु मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उठा ले, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। मेरा सो अकेलापन, अकेलापन से एक छुटकारा चाहिए प्रभु को प्रेम करें। अकेलापन से एक छुटकारा चाहिए प्रभु को प्रेम करें, क्योंकि उधर लिखा है हालेलुया मैं तुझे हालेलुया। हमने जो फर्स्ट गीत गाया ना घबराना इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह के अलावा और कोई भी ये वायदा नहीं किया, संसार के अंत तक मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। इधर हम पढ़ने के वक्त में 38 साल तक एक बीमार हालेलुया बेतस्ता कुंड के हालेलुया किनारे पड़ा है, और स्वर्ग का दूध ऊपर से नीचे आएगा, जब उस कुंड का पानी को खिलाएगा उस पानी में जो सबसे पहला जो उस पानी में हालेलुया गिरेगा उस व्यक्ति कोई भी बीमारी हो वो चंगे होते थे। ऐसे कुंड में ये जो व्यक्ति 1-2 साल से नहीं है 38 साल से हालेलुया उस व्यक्ति ने चंगाई को छाते 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 उधर पड़े रहा, उसका बीमारी ये नहीं है मेरे को अभी हालेलुया शरीर की बीमारी,
वो बीमारी हालेलुया फिजिकल और साइकोलॉजिकल बीमारी हो गया, उसको ये बात आ गया मुझे उधर तक पहुंचाने के लिए मेरे साथ कोई है ही नहीं, मैं अकेला हूं। फिर आज कई बार कई लोगों को ये महसूस करते हैं, ये बात आते हैं, बस कोई है ही नहीं मेरे लिए, कोई है ही नहीं मेरे लिए, मेरा पति है वो मुझे पूछते नहीं है, मेरे बच्चे हैं मुझे पूछते नहीं है, मेरे पत्नी है मुझसे पूछते नहीं, मेरे पड़ोसी है मुझसे पूछते नहीं है, मेरे रिश्तेदार है मुझसे पूछते नहीं है, मैं अकेला हो गया, मैं अकेला हो गया, मैं अकेला हो गया। कई लोग हालेलुया छोड़कर जाने के वक्त में हालेलुया वो मैं अकेला हो गया, कई हालेलुया नौकरी हमसे निकल जाने के वक्त में क्या हो गया, मैं भी क्या हो जाएगा, अकेलापन को महसूस होने के वक्त में हालेलुया एक ही बात है परमेश्वर का वचन के बताता है परमेश्वर को प्रेम करें, हालेलुया स्नेह करें, वो अकेलापन को छुड़ाएगा, अकेलापन को छुड़ाएगा। हालेलुया अकेलापन बहुत बड़ा हालेलुया गंभीर बीमारी है। हालेलुया इधर प्रभु यीशु मसीह ने कुंडी के पास गया, उस व्यक्ति से ये पूछ रहे हैं क्या तू चंगे होने के लिए चाहते हैं, उस व्यक्ति ने चंगे होने के बारे में नहीं बोला, जब दूध आकर पानी पिलाता है मुझे कोई भी नहीं है मुझे उधर तक पहुंचाने के लिए, उसको बोलने के लिए ताकत है, सोचने के लिए ताकत है, मन घबराया हुआ है, मन टूटा हुआ है, दुख से भरा हुआ है उसका मन। तेरे आंसू हालेलुया उसके 14 एक और बार पढ़ना इकरने, उसने जो मुझसे स्नेह किया, उसने मुझसे जो स्नेह किया, मुझे स्नेह किया। हालेलुया स्नेह करे तो ये ऑटोमेटिकली हमको ये बात महसूस होता है मेरे साथ है, हमें हमें मैं ने हालेलुया पहले अभी इंटरनेट बहुत तेज से चल गया पुराने समय में, हालेलुया लेटर दुबई अमेरिका ऐसे जगह में रहते थे लोग, हमारे प्यारे लोग रहते थे, रहकर उन्होंने चिट्ठी लिखते थे, चिट्ठी कई बार हालेलुया 15-20 दिन लग जाते थे और एक चिट्ठी पहुंचने में, एक चिट्ठी पहुंचने में 15-20 दिन कई बार 7 दिन भी लग जाते थे ऐसे। हालेलुया जैसे जैसे पोस्टल डिपार्टमेंट का जो बिजी है उसके हिसाब से पहुंचते रहते, उस चिट्ठी जब हाथ में मिलते हैं पति या पत्नी या बच्चे या रिश्तेदार को ये महसूस होता है हाँ हमारा बंदा अभी भी है, वो हमें प्यार करता है, वो हमारे साथ ही है, बेशक हजारा हजारा मील के दूर है तो भी वो चिट्ठी के जरिए उस प्रेम को हालेलुया दोनों को हालेलुया जोड़ने के लिए एक चिट्ठी, हालेलुया उस प्रेम को दृढ़ करने के लिए एक चिट्ठी हालेलुया एक कारण होता है। वैसे प्रभु यीशु मसीह ने बोला है मैं तेरे साथ हूं तुझे मैं अनाथ नहीं छोड़ूंगा, हालेलुया तुझे मैं अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मेरे आंसुओं प्रभु को प्रेम करे, अकेले आपको हालेलुया आपको दूर होना है प्रभु को प्रेम करे, क्योंकि प्रभु तू मेरे साथ है, प्रभु तू मेरे साथ है। केवल एक गीत गाने से नहीं है, केवल बोलने से नहीं है, सच में हमारे दिल के अंदर हम विश्वास करना तब ही हमारा छुटकारा है। अकेला अपन में सच में हमको छुटकारा चाहिए। हालेलुया मैं पहले भी बोला था एक एक्शन नहीं है, एक नाटक नहीं है, सच में हमारे जीवन में ये होना चाहिए। सच में मैं परमेश्वर को प्रेम करता हूँ, प्रभु मेरे जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया सच में आप विश्वास करते आप परमेश्वर को प्रेम करते हैं? हालेलुया तो फिर अकेलापन कहां से आए? प्रेम करे तो वो साथ रहता है, तो फिर अकेलापन कहां से आया? उसका मतलब आप सच्चे दिल से प्रेम नहीं करते हैं, नहीं तो कुछ वजह से प्रभु आपको छोड़कर चला गया। हालेलुया कभी भी हमें छोड़ते नहीं है परमेश्वर। हालेलुया जो मुझे प्रेम करते हैं स्नेह करते हैं उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसकी उसका
उसको उसको छुड़ाऊंगा। हालेलुया। पहले में बोला था पाप से छुटकारा है, बीमारी से छुटकारा है, अकेलापन से छुटकारा है, हालेलुया, शैतान के बंधन से छुटकारा है, हालेलुया, शैतान के बंधन से छुटकारा पाना है, परमेश्वर को प्रेम करना, दुनिया का सारे गंदे काम करने के बाद, दुनिया का सारे पापों में साथ लेने के बाद प्रभु जी बचा ले, कहां से बचाएगा, हालेलुया। केरला में एक कहानी आप लोग भी शायद अच्छा तरह जानते हैं, एक कहानी है आप तो थोड़ा सा याद दिलाकर मैं वो कहानी आप लोगों से बताने के लिए चाहता हूँ। एक बार एक बाढ़ हो गया, बाढ़ होकर नदी में बहुत पानी आया, पानी आने के वक्त में इन पानी के किनारे जितने लोग हैं वो लोग पानी से बहुत चीजें खा ले लिया भर कर आ रहे थे, कई फ्रिज जा रहा था, कई लकड़ियां बड़ी बड़ी लकड़ी आ रहा था, कई हाल लिया महंगे महंगे सामान आ रहा था, तो जैसे जैसे आ रहे थे लोगों ने किनारे से जाकर उस सामान को पकड़कर अपने अपने पास में रख रहे थे, ऐसे रखते 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 लोगों के पास बहुत बहुत सामान आ गया। उन्होंने देखे कि बहुत बड़ा कंबल आ रहा था, कंबल आने के वक्त में दूसरे ने बोला था भाई वो जो आ रहा है कंबल वो मेरा है, मैं उसको पकड़ूंगा। ओके, सभी ने मतलब हाफ भर दिया, उन्होंने जिसने बोला उसने कूद कर पानी में कूद कर उस कंबल को पकड़ लिया, पकड़कर किनारे की ओर आ रहे थे। आने के वक्त में जो पानी बहुत बहुत स्पीड में हो रहे थे और पानी के ये कंबल के साथ वो भी नीचे 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 जा रहे थे, और लोगों ने बोला यार ज्यादा भाव है आप वो कंबल को छोड़ दो, कंबल को छोड़ कर आप आ जाओ। तो इस व्यक्ति ने बोला मैं तो कंबल को सबसे छोड़ा, कंबल मुझे नहीं छोड़ रहे। तो वो कंबल नहीं था, एक बालू था। कई लोग ऐसे हैं लालच में दुनियादारी होकर चल जाते हैं, पकड़ लिया छोड़ने के लिए नहीं हो रहे, बंधन से हालेलुया, चेतन के बंधन से छुटकारा पाना है, प्रभु को प्रेम करना है, दुनिया के सारे बातों को छोड़कर, दुनियादारी छोड़कर परमेश्वर के वचन के आधार पर चलने के लिए प्रभु को प्रेम करना, हालेलुया, सर इधर ही ओके, प्रभु को प्रेम करना। जब हम प्रभु को प्रेम करते हैं ऑटोमेटिकली बंधन से छुटकारा मिलेगा। हम अच्छा तरह जानते हैं बैतिक्रम में हालेलुया पौलुस और सीलास बैतिक्रम में थे, उन्होंने बैतिक्रम में जाने के कारण हम अच्छा तरह जानते हैं सुसमाचार के सेवक के वजह से उनको पकड़कर हालेलुया बैतिक्रम में रखा। उस बैतिक्रम में रहना परमेश्वर के लिए एक पसंद वाली चीज नहीं था, परमेश्वर ने उधर से उनको छुड़ाया, छुटकारा दिया, ऐसे बंदीगृह जैसे बातों से आपको छुटकारा चाहिए, प्रभु को प्रेम करना तभी छुटकारा पा सकता है। ऐसे बैठकर हालेलुया आंखें बंद करकर तभी भी हम हालेलुया परमेश्वर से छुटकारा नहीं पा सकता है। परमेश्वर से छुटकारा पाना है, परमेश्वर ने कुछ व्यवस्थाएं रखा गया है, उस व्यवस्था के आधार पर हम जब चलते हैं तब ही परमेश्वर ने जैसे बोला वो छुटकारा हमको प्राप्त कर सकता है। कई बंधन है, कई बंधन है, दुष्टात्मा बात करते हैं और जादू टोने के बंधन है, प्रभु को प्रेम करें, प्रभु को प्रेम करें, अपने आप सारे हालेलुया बंधन अपने आप दूर हो जाएगा। क्योंकि हम जब हम एक व्यक्ति को मैं प्रेम करता हूं मैं उस व्यक्ति का कांटेक्ट में रहता हूं, हालेलुया, जब मैं बोलता हूं एक व्यक्ति को मैं प्रेम करता हूं उस व्यक्ति के कांटेक्ट में रहता हूं मैं, जब मैं उस व्यक्ति के कांटेक्ट में रहता हूं मुझे मैं किसका कांटेक्ट में रहता हूं, मेरे विरोधी अच्छा तरह जानते हैं, मेरे विरोधी अच्छा तरह जानता है मैं किसके कांटेक्ट में रहता हूं, तो उस विरोधी मुझे अट्रैक्ट नहीं करेगा। शैतान अच्छा तरह जानता है मैं परमेश्वर को स्नेह करता, परमेश्वर के कांटेक्ट में, परमेश्वर के हजूर में मैं रहता हूं, तो शैतान मुझे अट्रैक्ट जल्दी जल्दी अट्रैक्ट नहीं करेगा। हालेलुया, अच्छा करना है तो भी परमेश्वर की अनुमति के बिना अच्छा नहीं होते हैं। हालेलुया, दो लोगों के बारे में परमेश्वर के वचन में लिखा है, एक है अय्यूब, अय्यूब के बारे में हम पढ़ने के वक्त में अय्यूब का परखने के लिए शैतान गया,
परमेश्वर ने अनुमति दिया, परमेश्वर ने अनुमति दिया, क्योंकि परमेश्वर जानता था कितना उसने प्रेम करता है, कितना परमेश्वर को हालेलुया मानता है। अय्यूब के बारे में परमेश्वर अच्छा तरह जानता था, वही पाप पत्रोस के जीवन में हो गया। पत्रोस के जीवन में होने के वक्त में परमेश्वर ने अनुमति नहीं दिया, यीशु मसीह ने अनुमति नहीं दिया, क्योंकि प्रभु को पता है अनुमति है तो विश्वास नहीं नहीं होगा। कई लोगों को परमेश्वर ने उसके दया से रखा हुआ है। कई लोग वेरी इजीली बोलते मैं चर्च में नहीं जाना, कारण उनका घर में कुछ बात होगा या रिश्तेदार के साथ कुछ बात होगा, उन्होंने बोलते हैं चर्च में नहीं जाना, मतलब परमेश्वर के साथ नाता तोड़ने के लिए एकदम तैयार है। एक बात ध्यान रखना, यदि आपके रिश्तेदार या कोई व्यक्ति है उसके खिलाफ एकदम कुछ बोला, फिर आपको बहुत शर्म आता है उस व्यक्ति के सन्मुख में जाने के लिए। मैं उस व्यक्ति को नहीं सब बोल रहा है, मैं कैसे मैं जाऊंगा, मैं कैसे वो करूंगा, तो परमेश्वर भी देखेगा आपका मन, आप विश्वास में कितना पक्का है, सच में परमेश्वर को प्रेम करता है या नहीं है। हालेलुया, बंधन से छुटकारा चाहिए, बंधन से छुटकारा चाहिए, प्रभु को स्नेह करें, प्रभु को प्रेम करें। हालेलुया, शैतान चल जा, शैतान चल जा, शैतान चलेगा नहीं, बोलने से नहीं है, परमेश्वर का काम हमारे जीवन में होना है। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग प्रार्थना करने के रूप में यीशु मसीह के नाम से भी ज्यादा शैतान के नाम लेते हैं। हालेलुया, यीशु मसीह से भी ज्यादा शैतान के नाम लेते हैं। हम प्रभु को प्रेम करें, छुटकारा चाहिए प्रभु को प्रेम करें, प्रभु छुटकारा देता है। 14 आयत एक और बार, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। किससे? बंधन से, शैतान के बंधन से। हालेलुया, गलत संगतियों से, गलत हालेलुया स्वभाव से, गंदे आदतों से छुटकारा चाहिए। आप प्रभु को प्रेम करना, प्रभु को प्रेम करने के वक्त में ऑटोमेटिकली आपका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। एक उदाहरण बोलता हूं, कई अच्छे लोग हैं इधर बैठे हैं, मेरा ये आवाज सुनते हैं, 10 बजे तक आराम से सोते हैं फिर भी उनको नींद पूरा नहीं होते हैं। 10 बजे से 10 बजे तक सोने के बावजूद भी उनका नींद पूरा नहीं होते हैं। यदि मान लीजिए वही व्यक्ति को कहीं फैक्ट्री में या ऑफिस में कहीं जॉब मिल गया, 7 बजे जाना है, वो 6 बजे उठेगा। हालेलुया, वो 6 बजे उठेगा। मेरे आंसू सो, परमेश्वर को प्रेम करें तो हालेलुया, हम परमेश्वर के वचन के आधार पर, परमेश्वर के हालेलुया कहने के आधार पर जाएंगे। हालेलुया, कोई भी बंधन हमारे ऊपर असर नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया, असर नहीं आएगा। प्रभु का प्रेम करें, प्रभु का प्रेम करना। हालेलुया, कितना प्रेम करते हैं वो नहीं पूछना। हालेलुया, हम गीत गाते हैं, मेरे जीवन देने के लिए मैं तैयार हूं, मैं प्रभु के लिए मरने के लिए भी तैयार हूं। दूसरे ने आकर साइड से पूछना, मसीह मानते नहीं, अभी नहीं है, कब तो कभी कभी चर्च में जाता ऐसे, फिर जीवन देने के बाद कहां चला गया? रिश्तेदार के घर में जो कुछ अन्य जाति की बात होता है, सभी सलाह देने वाला मसीह को मानने वाला, तो उनके अंदर से अन्य जाति के रीति रिवाज निकले नहीं अभी तक, प्रभु का प्रेम अंदर आए नहीं। जब प्रभु के प्रेम अंदर आते हैं, अन्य जाति लोगों के साथ हम मेल मिलाप के लिए नहीं जाएंगे, मतलब रीति रिवाज के बारे में नहीं बोल रहा हूं। हालेलुया, वक्त आता है रंग देखने के लिए,
हालेलुया, तो बंधन से छुटकारा है, प्रभु को प्रेम करें। कई बार कई लोगों ने प्रार्थना करते, मैं ऐसे स्वभाव मेरे जीवन में है प्रभु जी, इस स्वभाव से मैं छुटकारा पाने के लिए चाहता हूँ, मैं इस स्वभाव से छुटकारा पाने के लिए चाहती हूँ। सिंपल में तेरे हैं, प्रभु को प्रेम करें, प्रभु के वचन के आधार पर चले आप ऑटोमेटिक के लिए हालेलुया जहां पहुंचना है उधर पहुंचेंगे। आप परमेश्वर का प्रेम नहीं करते हैं, आप परमेश्वर की एक जगह में रखे हैं, बस एक जगह में नहीं है। परमेश्वर का दिल के अंदर वास करने के लिए दो, परमेश्वर के दिल में वास करने दो, आप प्रभु को प्रथम स्थान दो, प्रभु को हालेलुया प्रथम स्थान करके प्रेम करें, आपके जीवन में छुटकारा, चंगाई, आनंद हमेशा आपके जीवन में हो जाता है। हालेलुया। हम बोलते हैं, प्यार करते हैं, करते हैं दूसरे, इसलिए हमारे जीवन में सच्चे छुटकारा नहीं होता है। स्वभाव छोड़ने के लिए चाहते हैं, छुटकारा नहीं होता है। कितने गंदे आदत छोड़ने के लिए चाहते हैं, दिल से छोड़ने के लिए चाहते हैं, फिर परमेश्वर को प्रेम करने के लिए तैयार नहीं है। उस छुटकारा सच में मन में या शरीर में या परिवार में वो प्रकट नहीं होते। हालेलुया। परमेश्वर को प्रेम करें, परमेश्वर को प्रेम करें। हालेलुया। परमेश्वर को प्रेम करें, छुटकारा पाए। परमेश्वर से जो छुटकारा है वो प्रेम से ही मिलता है। हालेलुया। और उसने जो मुझसे स्नेह किया, उसने मुझसे जो स्नेह किया है, इसलिए मैं उसे छुड़ा, इसलिए मैं उसे पारिवारिक समस्या से छुड़ा। हालेलुया। आजकल कई परिवार में झगड़ा एक आम बात हो गया। परिवार सच में शांति का जगह है, परिवार सच में आनंद का जगह है, परिवार सच में हालेलुया परमेश्वर को महिमा करने की एक जगह है। अभी परिवार में झगड़ा, परिवार में गालियां, परिवार में सारे हालेलुया शैतान की बातें चल रहा है। क्यों? प्रथम बात यह है, परमेश्वर को प्रेम नहीं करते। हालेलुया। जब परमेश्वर को प्रेम करते हैं, हम पति का आखी देंगे। कई पत्नियां अच्छे लोग उधर बैठे हैं, कई लोगों के बारे में उधर बिडेरी से मैं जानता हूं, और अपना पति को किस स्थान में रखे हैं मैं नहीं बोल रहा हूं, आप खुद सोच कर देखो। इतना घृणा शब्द यूज करते हैं अपना पति के बारे में। आप ये सोचना, अपना पति आपका है कौन है? परमेश्वर ने यदि आपका पति को आपको दिया है तो आपका आधा है। पति और पत्नी एक शरीर है, परमेश्वर का वचन बोलता है पति और पत्नी एक शरीर है। आपके शरीर को ऊपर श्राप देने के लिए आपको कैसे हो सकता है? इसका मतलब श्राप दे रहे तो आपके अंदर शैतान वास कर रहा है, परमेश्वर का प्रेम नहीं है। कई अच्छे अच्छे नाम लेते हैं अपने पति को, डिक्शनरी में भी कई बार नहीं होते हैं वो शब्द, कई बड़े बड़े शब्द यूज करते हैं। और पास्टर पूछे तो पास्टर माना हो जाता है, पूरा दुनिया के सामने बोल सकता है और दुनिया मुझे भी आकर बोल सकता है, फिर पास्टर उस व्यक्ति से या उस भाई से या उस बहन से, उस मतलब पति से या पत्नी से, आप अपने पति को क्यों ऐसा बोल रहे हो या आपके पत्नी को क्यों ऐसा बोल रहे हो? पास्टर से चुगली किया किसी ने, क्या किया, क्या किया, सुने नहीं दिया और नहीं, कोई बात नहीं, क्या किया, तो पूरा दुनिया सुना वो कोई बात नहीं, वो बात आपको सुधारने के लिए बताए तो चुगली। कौन सी आत्मा आपको आपके अंदर है, कौन सी आत्मा है? आप भी बताओ, आपका पति को पत्नी को इतना गंदे शब्द में आप बुलाते हो, आपके अंदर कौन सी आत्मा है? यह आत्मा को लेकर स्वर्ग में जाऊंगा मैं, ये गाते हो, कौन सी आत्मा आपके अंदर? यह आत्मा लेकर आप स्वर्ग में जाएंगे, यह आत्मा तो स्वर्ग में लेकर जाएगा। यह आत्मा पक्का, एक बात पक्का किया है,
आपको नरक में ही जाएगा। हालेलुया। कई लोगों ने सोच रहे हैं मेरे बारे में, ये किसी ने चुगली किया होगा, नहीं तो पास्टर को कैसे पता है, ये मेरे बारे में ही होगा, चुगली किया होगा, नहीं तो फिर हंसो सो। कई बातें कई लोगों ने बताते नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा किस काम के लिए बैठे हैं? पवित्र आत्मा किस काम के लिए बैठे हैं? हालेलुया। बंधन से पारिवारिक जीवन में पति को रिस्पेक्ट देना, आदर करना, कितना बुरा है तो भी, कितना गलत हो तो भी आदर रिस्पेक्ट देना। कभी भी पति आपका जूता नहीं है। आप देखना, एक व्यक्ति ने अपना पति को क्या पत्नी को बुरे शब्द बोलकर प्रार्थना कर रहे हैं, पत्नी को बुरे शब्द बोलकर या पति को बुरे शब्द बोलकर प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो जिसने सुना है वो परमेश्वर के बारे में क्या सोचेगा, आपके प्रार्थना के बारे में क्या वैल्यू देगा, क्या वैल्यू है आपको, कौन सी आत्मा आपको कार्य कर रहा है, कौन सी आत्मा आपको प्रार्थना के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, कौन सी आत्मा आपको आराधना के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, कौन सी आत्मा ऐसा बोलने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। पवित्र आत्मा कभी भी नहीं, पवित्र आत्मा किसी का भी मन दुखी करते नहीं है। पवित्र आत्मा अपने गलती को हमें याद दिलाएगा पछताने के लिए। मैं वापस आ रहा हूं, यदि आप परमेश्वर का प्रेम करते हैं तो आपका पति कुछ बोलने के वक्त में, आपका पति पत्नी कुछ बोलने के वक्त में, आपका बच्चे कुछ बोलने के वक्त में, आपका माँ कुछ बोलने के वक्त में, आपका बाप कुछ बोलने के वक्त में, आपका पड़ोसी कुछ बोलने के वक्त में, आपके रिश्तेदार कुछ बोलने के वक्त में परमेश्वर को प्रेम करेंगे। परमेश्वर उस हालेलुया बात से जुड़ाएगा। हालेलुया। कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे लोग हैं हालेलुया, परिवार में ऐसे समस्या है, बंदी ग्रह के अंदर बांध कर हालेलुया चैंबर बोलते हैं, मतलब आग बहुत आग का गर्मी को बढ़ाते 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 चैंबर चैंबर बोलते हैं, इसके अंदर जैसे पड़े हुए कई लोग मेरा बात सुनते हैं। अब प्रभु का प्रेम करें, आपको छुटकारा है। फैमिली लाइफ में शांति चाहिए, प्रभु का प्रेम करें। दुनिया को नहीं है, रिश्तेदार को नहीं है, हालेलुया। कई बार कई लोगों को हम विश्वास करते हैं, विश्वास करकर हमारे फैमिली मैसेज को शेयर करते हैं, वही लोग ही हजार क्या नोटिस जैसे पूरे दुनिया को बताते हैं, वही आगे समस्या का हालेलुया काम हो जाता है। 14 आयत देखो और पढ़ लीजिए। उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको पारिवारिक जीवन में जो कुछ समस्या है उसमें इसे छुड़ाऊंगा। हालेलुया। सच में प्रभु को प्रेम करते हैं? अभी कई लोगों को ये शक है, मैं हाँ बोले तो भी क्या सोचेंगे, ना बोले तो भी क्या सोचेंगे। हालेलुया। फिर परमेश्वर की आत्मा हालेलुया हमसे बातचीत करता है, हमें प्रेम करता है, परमेश्वर हमें प्रेम करता है, इसलिए हमको हालेलुया हमें समझाते हैं, हमें प्यार करते हैं। हालेलुया। और भी बहुत कुछ बातें हैं हालेलुया, मैं उसका नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए चाहता हूँ। ओके, 14 आयत उसका नेक्स्ट लाइन। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। किसको? हालेलुया। प्रेम करने वालों को हालेलुया। क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। उसने मेरा नाम को जान लिया, मेरे वचन के आधार पर चलता है, इसलिए मैं ऊंचा करूंगा। हालेलुया। यदि आप आपके जीवन में उन्नति चाहते हैं, आपके जीवन में तरक्की चाहते हैं, आपके परिवार में तरक्की चाहते हैं, आप हालेलुया परमेश्वर को जानना है, परमेश्वर को मानना है, परमेश्वर के वचन के आधार पर चलना है। हालेलुया। ये नहीं है हालेलुया, दुनिया भी परमेश्वर भी पीछे पड़ जाएंगे।
आपको उन्नति चाहिए, ऊंचाई चाहिए, हालेलुया, परमेश्वर ने आपको उठाएगा। आप जैसे चाहते हैं उससे भी बढ़कर परमेश्वर ने उठाएगा, हालेलुया। दानियेल की किताब हम पढ़ने के वक्त में दानियेल की किताब उसका 6 अध्याय उसका 2 आयत 6:2 दानियेल 6:2 दानियेल की किताब 6:2 और उसके ऊपर उसने 3 अध्याय जिसमें से दानियेल एक था इसे ठहराया कि वह उन अधिपतियों से लिख लिया करे और उस रीति राजा लेखा लिया करे और इस रीति राजा को कुछ हानि ना होने पाए। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ 3 ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾਨੀਅਲ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੰਸਦਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਫਿਰ ਅਸੋ ਹਮ ਸੋਚਨੇ ਸੇ ਵੀ ਅਤਿਕ ਬਾਤ ਹੈ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਤਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਦੇਨ ਆਪਣਾ ਅਬੇਦਨੋ ਔਰ ਦਾਨੀਅਲ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੜਕੋਂ ਕੋ ਉਧਰ ਪਕੜ ਕਰ ਲੇਕਰ ਗਿਆ। यहूदा वंशी थे ये लोग, उधर जाकर उधर इनके जैसे ही लोगों को पकड़ कर किया, बहुत सारे लोग उनमें से चार लोग इन्होंने उनके रीति रिवाज में शामिल नहीं। हालेलुया, हम अच्छा हम जानते हैं दानियेल के बारे में, उन्होंने अपना खाना के बारे में, अपना पहनना के बारे में, अपने रीति रिवाज के बारे में, अपना प्रार्थना के बारे में पूरी रीति से परमेश्वर को भय मानकर आगे चलने वाले थे। हम अच्छा तरह सोचना है उन्होंने है कहा है, गुलाम होकर गया उधर एक देश में गुलाम होकर गया है। मान लीजिए अभी इधर से इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, कई देशों में जाते हैं, उधर का कानून को पालन करना है। हम उधर गुलामी होकर नहीं जाते हैं, उधर जॉब करने के लिए या स्टडी करने के लिए या विजिटिंग के लिए ऐसे जाते हैं। तो इन्होंने अपने मर्जी से कुछ नहीं कर, फिर भी उधर का कानून को पालन करना है। देखो ये शद्रक मेशक अबेदनगो और दानियेल ने उधर जाने के वक्त में उन्होंने गुलाम होकर गया, गुलाम होकर जाए तो बंदी होकर गया तो उस देश के जो कुछ बातें हैं उनको ऐसे के ऐसे उन्होंने मानना पड़ेगा। उस सिचुएशन में भी इन्होंने बोला हम आपके इधर के रीति रिवाज को हम नहीं मानेंगे, हमको अपना एक रीति रिवाज है, हमको अपना एक रीति है, हमको अपना एक प्रार्थना का रीति है, हमको अपना एक विश्वास की रीति है, हमको अपना एक खाने का रीति है, हमको अपना एक पहनना का रीति है, हमारा रीति अलग है। ये नहीं सोचा राजा क्या सोचेगा, प्रधान क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, कभी नहीं सोचा। उसने उनके मन में एक ही है, परमेश्वर क्या सोचेगा, हम परमेश्वर क्या सोचेगा, हम इधर आए हैं परमेश्वर के सम्मुख में हम दोषी नहीं होना चाहिए। फिर ऐसे सो वो बात को परमेश्वर भी देखते रहा, हालेलुया, परमेश्वर भी देखते रहा। जब वक्त आया परमेश्वर ने हालेलुया, एक और बार पढ़ लीजिए 6:2 और उसके ऊपर उसने 3 प्रत्यक्ष जिसमें से दानियेल एक था इसने ठहराया कि वो उन 3 प्रधानों में से एक दानियेल, इधर हम 91 में पढ़े हैं, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि अब उसने मेरे नाम को
जान लिया आपको ऊंचे स्थान में जाना है, परमेश्वर के वचन के आधार पर चले, परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान में लेकर जाएगा। कोई भी इस दुनिया की ताकत नहीं है आपको उधर से नीचे लेकर आने के लिए। यदि आपके हालेलुया किसी व्यक्ति के जरिए, किसी हालेलुया जानवर चर के जरिए आप ऊंचे पदवी में रखा है, जब आपसे भी बड़ा एक व्यक्ति आएगा आपको एकदम नीचे नहीं पड़ेगा। यदि परमेश्वर आपको लेकर गया, परमेश्वर हमें लेकर गया, कोई भी इस दुनिया का ताकत नहीं है हालेलुया हमें नीचे लेकर आने के लिए। हालेलुया यदि ऊंचे पदवी चाहते हैं, यदि हालेलुया आपका हालेलुया आपका प्रमोशन चाहते हैं, आप हालेलुया उच्च स्थिति में जाने के लिए चाहते हैं, क्या करना है? परमेश्वर का उसका नाम को जानना। आमेन। हालेलुया उसका नाम को जानना है, तब ही हालेलुया एक ऊंचे पदवी में आपको पहुंच सकता है। सच्चे हालेलुया परमेश्वर हमें आदर करेगा, परमेश्वर हमें आदर करेगा, उस आदर को हालेलुया कोई भी व्यक्ति नीचे नहीं कर सकता है। गुलामी के बारे में बोलने के वक्त में ऐसे एक व्यक्ति है हालेलुया मर्देखाई हालेलुया एक ऐसे दिन था उसके जीवन में, हालेलुया उसके जीवन में एक ऐसे एक दिन था हालेलुया, यहूदी कभी भी एक व्यक्ति के सामने सिर नहीं झुकाएंगे, कभी भी एक व्यक्ति के सामने कुछ भी नहीं करेंगे। हालेलुया हमान के सामने हालेलुया इसने मथा नहीं टेका, इसने हालेलुया उसका मता नहीं देगा, उसके वजह से उसको हालेलुया गुस्सा चढ़ गया। हम अच्छा तरह जानते हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोलकर मैं आगे बढ़ रहा हूं। नामान ने हालेलुया ने उसको हालेलुया सजा देने के लिए बहुत बार हालेलुया योजना बना कर आया, जो कुछ योजना बना कर आते थे नामान ने हालेलुया जीवन में हालेलुया जो कुछ है वो उल्टा पड़ जाते थे, क्योंकि मर्देखाई परमेश्वर को जानता था। हालेलुया परमेश्वर को जानता था। हालेलुया जब हालेलुया उसने कपड़ा फाड़ कर हालेलुया रात में बैठकर रो रो कर हालेलुया परमेश्वर को दोहाई दिया, उस शब्द हालेलुया घोड़े के ऊपर चलने के लिए योग्य बनाया। हालेलुया घोड़े के ऊपर चलाने के लिए हालेलुया एक को नुकर में बैठकर दुहाई दिया, एक मुर्दे का हालेलुया वो हमान ने हालेलुया उसको जय जयकार करकर पूरे शहर में घुमाया है, जिस मुर्दे का ही को मारने के लिए हालेलुया सारे पता किया है वही मुर्दे का ही को हालेलुया परमेश्वर ने आदर किया। हालेलुया महल में ही उसको बिठाया, क्यों? इसलिए है, किसलिए? उसने मेरे नाम को जान लिया है, जान लिया है मेरे आंसुओं। हम उन्नति पाना है, तरक्की पाना है, परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है, उसके वचन को जानना जरूरी है, उसके वचन के आधार पर चलना जरूरी है। हमको हालेलुया परमेश्वर की ओर तरक्की, परमेश्वर की ओर उन्नति, परमेश्वर हमें आदर करेगा। इस दुनिया की हालेलुया दुनिया के पीछे हम कितना भी भागे परमेश्वर का इच्छा नहीं है, कभी भी नहीं पा सकते। हाँ थोड़ा समय के लिए पाएंगे, हमेशा के लिए वो नहीं होगा। हालेलुया यदि यहोवा ने घर ना बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। परमेश्वर हमें ऊंचा कर दे पाए, परमेश्वर हमें हालेलुया उठाने पाए, परमेश्वर ने आदर करने पाए। इस दुनिया का कोई भी एक व्यक्ति ये नहीं बोलना मेरे वजह से उसने वो पाया। हालेलुया हम हमेशा ये बोलने के लिए लायक होवे मेरे परमेश्वर ने मुझे यहां तक लेकर आया। हालेलुया मेरे परमेश्वर ने मुझे यहां तक लेकर आया। हालेलुया के बारे में हम पढ़ने के वक्त में टाइम बहुत आगे चला गया, मैं एक शब्द बोलकर मैं हालेलुया आगे बढ़ने के लिए चाहता हूं। मूसा परमेश्वर को मान लिया, मूसा को परमेश्वर ने आदर किया, ऊंचा किया। हालेलुया लोगों ने सोचा यार ये तो पागल है, क्योंकि मिस्र के सारे भाई को सारी चीजों सारे सोना चांदी हालेलुया महंगे पत्थर सब कुछ हीरा मोती सब कुछ होने के बावजूद भी इसने क्या है, क्यों ये सब कुछ छोड़कर भेड़ बकरियों को चराने के लिए
पाल है, सही है, तो पाल के बिना कोई क्या बोल सकता है। उसने इब्रानी के पत्र में लिखा है, यीशु मसीह की निंदा को वो हालेलुया बहुमूल्य समझा, परमेश्वर उसको ऊंचा किया। इस दुनिया में आज तक जो कुछ नेता है, सबसे बड़ा नेता मूसा। आमेन, आमेन। हम तरह की माना है, हालेलुया परमेश्वर को जाना है, परमेश्वर को वचन के आधार पर चलना है, परमेश्वर हमें हालेलुया उठाएगा, परमेश्वर हमें जैसे जैसे उठाएगा इस दुनिया में, हालेलुया परमेश्वर के हाथ से हमें कोई भी छीन कर नहीं जा सकता। हालेलुया, कितने लोग चाहते हैं मैं परमेश्वर को जान लिया, मुझे हालेलुया प्रभु मुझे उठाएगा। कितने लोग शौक करते हैं मैं परमेश्वर को जान लिया है, हालेलुया वो मुझे उठाएगा, दुनिया कोई भी मुझे नहीं उठाएगा, मैं दुनिया मुझे कोई भी तरक्की नहीं देगा, मैं परमेश्वर को जान लिया है वो मुझे उठाएगा। ये सभी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 सभी आंखें बंद करें, परमेश्वर के सम्मुख में हालेलुया, हालेलुया समर्पण के साथ हालेलुया हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, भाव से छुड़ाएगा, गलत संगतियों से छुड़ाएगा, बंधन से छुड़ाएगा, पारिवारिक क्लेश से छुड़ाएगा, हालेलुया बीमारी से छुड़ाएगा। हालेलुया मेरे आंसू, हालेलुया परमेश्वर को स्नेह करे, दुनिया को छोड़ दे, दुनियादारी छोड़ दे, संसार का अभिलाषा छोड़ दे, सच में छुटकारा आप चाहते हैं आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके भविष्य में, दुनिया का संसारिक अभिलाषा को छोड़ दे, प्रभु को स्नेह कर, प्रभु को स्नेह कर, प्रभु को प्रेम करे, वो चुड़ाएगा, वो चुड़ाने के लिए तैयार है, उसका वायदा है। आप स्नेह करने के लिए, उसको प्रेम करने के लिए तैयार हो जाइए। प्रभु से भी बढ़कर कौन सी ऐसी चीजें हैं आपको प्रेम करने के लिए, कौन सी ऐसी चीजें हैं आपको स्नेह करने के लिए? प्रभु यीशु मसीह से भी बढ़कर, प्रभु यीशु मसीह आपको छुड़ाने के लिए तैयार है। प्रभु को प्रेम करें, प्रभु को स्नेह करें, वो तैयार है। प्रभु को जानो, वो आपको ऊंचा उठाने के लिए तैयार है। वो आपको हालेलुया जितने दुनिया चाहते हैं उससे बढ़कर आपको हालेलुया ऊंचा उठाने के लिए, आदर करने के लिए, आशीष देने के लिए प्रभु तैयार है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, सभी के घर में प्रभु जी शांति होने पाए। प्रभु जी तुझे जो हाल विश्वास स्नेह करते हैं वो लोग प्रभु जी शांति पाने पाए, आनंद पाने पाए। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते पिता। हाँ ले बेहतर है वचन के लिए आपने हमसे बातचीत किया, प्रभु धन्यवाद करते। हालेलुया।